सो गाइस दिस इज डे 5 इन गोवा और कल रात को आई थिंक सो हम लोग बात करते करते 3:30 बज गए थे, ऑलमोस्ट 3:30 या तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग सनराइज देखने जाएंगे, इसलिए कुछ सोएगा नहीं, पर धीरे धीरे करके सब लुढ़कने लग गए। मैं कहा एक दो जन कुछ होंगे जो नहीं सोए होंगे, तो फिर सुबह सब लोग उठ के सनराइज देखने के लग गए मेरे से मुझे छोड़ के, क्योंकि नींद बहुत जम से आ रही थी तो सो रहा था। मेरे ख्याल से तब भी सनराइज हो चुका था जब ये लोग निकले आज, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अभी जाके आपको दिखाने का कोई मतलब नहीं है, तो सनराइज ऑलमोस्ट हो चुका है। मेरे ख्याल से 6 o'clock को अगर गए तो 5:30 को ही मैंने सनराइज हो छोड़ा, तो ये लोग सिर्फ गए एक व्यू के लिए। अभी हम लोग पूल में जंप करेंगे। अभी हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं, जिसमें जो अभी जो कैमरामैन है आपका, वो बॉटल फेंकेगा पानी की पूल में, तो हम लोग इसे देखेंगे। फिर उसके बाद में हम दोनों प्लेयर जाके उसको ढूंढ के निकालेंगे कहाँ पे। सो दिस इज द गेम। वेट वेट, हम लोग पूल से निकले, फ्रेशन अप हुए, रेडी हुए, लंच के लिए जाएंगे, पर अभी उसके लिए थोड़ी भूख लगी, ब्रेड बटर थोड़ा खाया, पर क्यों ब्रेकफास्ट नहीं, तो भूख नहीं मर रही, तो हम लोग आए हैं इधर मॉरिस बेकरी में, देखते इधर क्या बनता है। क्लब महिंद्रा है, घर में है और एक और जगह है, ये है और एक वारगा साइड में, मतलब आसपास में ज्यादा दूर नहीं है, एक 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा बस दोनों में, तो ये क्लब महिंद्रा में और दूसरे क्लब महिंद्रा। ये ग्रीन ऐसे मतलब अलग अलग कलर के घर सही है, मतलब इधर में अगर देखा जाए ना तो दैट्स नाइस एंड दैट्स ब्यूटीफुल। अब देखो ये ऑरेंज कलर का, ये परेरा जहाँ से मैंने बाइक रेंट किया, ये वो जगह है। एंड दैट्स दैट पर्पल हाउस, एक लैंडमार्क इधर यूज कर सकते हैं, पर ब्राइट है। यहाँ से आते हैं और यहाँ से जाते हैं बीच की तरफ, ये बीच आ गया हमारा। पहुंच गया वारका बीच, जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम सुबह आए थे, मैं कहता हूँ हाँ कल सुबह जहाँ पे आए थे। अभी शाम हो रही है, धूप है वैसे, पर अभी 5:15 हो गए। लेट्स हैव सम सोलो टाइम विद यू गाइस, सन ढलने वाला है इधर।
यहाँ पे शैक तैयार हो रहा है बहुत दिन से। मैं अभी ऑफ सीजन कुछ चल रहा है, अभी दिवाली का टाइम आएगा नेक्स्ट वीक ताकि शैक रेडी हो जाएगा। यहाँ पे जेट स्की भी है अगर किसी को करना है तो। एक्चुअली ये दिस प्लेस इज वेरी नाइस, द सैंड दैट्स द वाइट सैंड, ये ऑफकोर्स गीला है इसलिए आपको वाइटनेस नहीं ज़्यादा दिख रहा, पर अगर आप ये सैंड में देखोगे ये वाइट दिख रहा है नॉन वाइट, क्योंकि इसमें पानी पानी अगर कुछ आया होगा हाई टाइड में वगैरह तो दैट्स द वाइट सैंड। आप प्रॉपर जाते हो मतलब गंदगी नेल के और सिर्फ शेल से इधर में से जाते बस उतना ही। और वहाँ दूर दराज दीदी लोग खड़े, अगर आपको ब्लॉग में दिखा होगा या फिर मैंने पोर्ट्रे किया होगा हमारा दीदी लोग का कंसेप्ट तो आपको समझ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर मैंने पोर्ट्रे नहीं किया या फिर आपसे मिस हो गया, मेरे को आइडिया नहीं एक्चुअली, शायद मैंने आपको दीदी लोग का कॉन्सेप्ट समझा है कि क्या है करके, मैंने एक्चुअल नहीं तो यू हैव नो क्लूज व्हाट दैट मीन। और हम लोग कल वापस जा रहे हैं, वैसे भी कल मॉर्निंग का ट्रेन है हमारा 8:30 का, यहाँ से मड़गांव रेलवे स्टेशन से, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, वाघा से ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन आई थिंक सो नहीं डोंट नो एक्चुअली कितने किलोमीटर से, पर यहाँ से पाँच में हम लोग 1 घंटे पहले निकलेंगे। तो आज रात को पूरा पैकिंग वैकिंग पूरा कंप्लीट करना है और कल सुबह निकलना है, और उसके पहले बाइक्स रिटर्न करने हैं हमको। और आज डिनर के लिए जा रहे हैं हम लोग सम प्लेस कॉल्ड फार्म हाउस, हम लोग एक्चुअली लंच के लिए जाने वाले थे उधर पर जा नहीं पाए लंच के, सबको इतनी नींद आ रही थी और सबने थोड़ा कुछ ब्रेड बटर वगैरह हमने ब्रेकफास्ट ही लेट किया था, एक्चुअली ब्रंच कर लिया था वो सब, तो फिर हमने डिसाइड किया कि अभी डायरेक्ट डिनर के लिए चले जाएंगे उधर, दैट वुड बी अ ग्रेट प्लान। अब भी अर्ली मतलब एट 7 और समथिंग, या लेट ना हो आने के बाद, क्योंकि रेस्ट लेना है, ज़्यादा देर तक जागे रहेंगे तो फिर सुबह उठने में तकलीफ हो जाएगा। कल सुबह निकलेंगे यहाँ से मुंबई के लिए, कल अगर सुबह बैठेंगे हम लोग तो शाम को, हाँ नहीं रात तक हम लोग मुंबई पहुँच जाएंगे मॉर्निंग को बैठने से, और फिर वापस वहाँ से नेक्स्ट डे निकलेंगे वापस, जहाँ से मैं जब आया था हम लोग पूरा ग्रुप आए थे वो उसका वो, मैंने दैट वाज एक्चुअली द डे 1, बट उस टाइम कुछ शूट नहीं कर पाया था और सब घाई घाई में था तो वहाँ पर टाइम नहीं मिला था, पर अभी ट्राई करूँगा शूट करने का मुंबई से आप जाते सर, पर मुंबई तक का तो आपको ब्लॉग जरूर मिलेगा। और अभी हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे, कल जहाँ पे गए थे रेस्टोरेंट में हम लोग आई थिंक कोलवा बीच पोर्टोफिनो गए थे कल, और टैन भी बहुत हो इधर में, स्पेशली स्विमिंग पूल में जो स्टंट्स कर रहे थे जिसको कूदना नहीं आता था वो भी कूदना ट्राई कर रहा था, मैंने खुद ने ट्राई किया कूदना डाइव मारना, एक्चुअली मेरे बड़े भाई ने सीखा, हमारा सबका बड़ा भाई, जैसे वो कहते हैं ना बाप का दादा का सबका बदला रहेंगे तेरा फैजल, वैसे ये है हमारा भाई जो मेरा मेरे बहनों का मेरे भाइयों का हमारे जीजा लोग का सबका बदला लेंगे अरे तेरा सजल। दैट वाज सुपर फन हैविंग कजन्स के साथ आने में मज़ा आ गया, और आपको अगर फ्रेंड्स के साथ आना, अगर फ्रेंड्स आपके ऐसे भी ग्रुप के जो थोड़ा चिल आउट करने का फुल पार्टी मूड वाले नहीं हैं, थोड़ा चिलिंग करने में विश्वास रखते हैं क्वाइट प्लेस, तो दिस इज़ द नाइस प्लेस, या फैमिली के साथ आने के लिए अच्छी जगह, नहीं तो फिर तो आप नॉर्थ साइड ही रहो वो बेस्ट प्लेस है फॉर क्लबिंग चिल आउट, यहाँ पर भी होता है घर पर शांति ज़्यादा। तो अभी हम लोग चलते वो लोग को पिक करते और कोलवा बीच लेके जाते। ये वो रास्ता है जहाँ से हम लोग फर्स्ट डे में आए थे चल के, और अभी जो मैं रास्ते से आया वो बस थोड़ा सा और दूर है, थोड़ा ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा आपको उसके लिए।
हम लोग पहुंच गए कोलवा बीच के मार्केट पे, जहाँ पे कल आए थे वहाँ पे पोर्टोफिनो है, दैट्स इट। वैरायटी पार्ट पे है इधर में, अगर लेने में इंटरेस्टेड होंगे। क्लोथ्स बैंग्स, ये पूरा स्ट्रीट ही कोलवा मार्केट करके शायद बोल सकते हो अपन। तो ये डोमिनिक पोक सेंटर है जहाँ से हमने अभी 8 किलो सॉसेज लिए अपने यहाँ से। सो दे आर द पीपल हु सर्व द रोस्टेड सॉसेज एंड द रॉ सॉसेज, दे आर फॉर 1 kg फॉर 640, 1 kg फॉर 640 एंड द रोस्टेड सॉसेज 100 पीसेस फॉर 320. So I've taken sausages from them and it's super awesome. And they have branches in Varka and Madgaon. So you guys can come and have box sausages and you can take them home and it's super tasty. You can come and have. Thank you. Now we are heading to farmhouse, na? Abhi farmhouse ja rahe hain. Wahan pe dinner karenge. Then abhi farmhouse pahunch ke aapko dikhata hoon farmhouse kaisa. So see you guys there. Guys, to hum log फार्म हाउस में पहुंच गए हैं। सब लोग ऑलरेडी पहुंच गए हैं। मैं और जी जो टेस्टी सॉसेजेस लेके आ रहे थे हमको घर पे लेके जाने के लिए। सो दिस इज द फार्म हाउस। एवरीबॉडी से हाय। फुल पसीना ही आ गया। सो गाइस डिनर वगैरह सब हो गया हमारा। अभी हम लोग वापस रूम में जा रहे हैं, फिर पैकिंग पैकिंग वगैरह सब करेंगे, फिर कल सुबह जल्दी उठना है हमको, जल्दी जाना है स्टेशन में। तो अभी जाके पैकिंग वैकिंग शुरू करते हैं और जाके। तो सी यू गाइस, पीस आउट।